कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माति संगोस्त विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया, है हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। बेटे कैसी है पिंकी बेटी? अब ठीक है, अभी अभी सो गई। बेचारी को बहुत सदमा पहुंचा होगा। पता नहीं तकदीर हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है। जिंदगी में जब भी खुशी के मौके आते हैं किसी की नजर लग जाती, खुशी के दो पल वही गम में बदल जाते। नहीं प्रगति, घबराती नहीं, कुछ नहीं होगा विकास को। अरे सजा तो गुनहगारों को मिलती है, बेगुनाह को नहीं। और मेरा दिल कहता है कि विकास बेगुनाह है। मैं जानती हूँ ये दुश्मनी मुझ पर निकाली जा रही है। जो भी मेरे करीब हैं मेरे दुश्मनों के दुश्मन हैं। प्रगति बेटे, तुम्हारे दुश्मन तुमसे दुश्मनी निभाते निभाते थक जाएंगे, लेकिन भगवान की सौगंध वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। अरे मरती तो बुराई है, अच्छाई थोड़े ही कभी मरती है। वकील साहब, किसी तरह से विकास को छुड़ाना जरूरी है। हाँ, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हें उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है ना? याद तो है हवलदार से, पर क्या है कि बहुत दिन हो गए ना इस बात को, तो पहचानने में थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। ठीक है बैठ जाओ। उसे यहां लाया जा रहा है, गौर से देखकर शनाख्त करना उसे। हवलदार साहब, एक बार उसका चेहरा देख लूंगा ना तो फौरन पहचान लूंगा उसे। ठीक है बैठ गए। देखो साहब आ रहा। हवलदार साहब, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? विकास बाबू, एक बार रिमांड ऑर्डर मिल जाने दो मुझे, फिर देखना क्या सलूक करता हूं मैं तुम्हारे साथ। बहुत पुराना हिसाब चुकाना है मुझे तुम लोगों से, देखता हूं कब तक चेहरा छुपाओगे तुम अपना, समझे? हवलदार। यस सर। ताला लगा दो इधर। ठाकुर भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार ठाकुर साहब।
आपका खादिम बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर तिवारी। हुजूर, आपके हुक्म की तामील कर दी है मैंने। तो गिरफ्तार कर लिया मुजरिम को? जी हाँ ठाकुर साहब। तिवारी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ऐसा मजबूत केस बनाओ उसके खिलाफ किसी भी हालत में बचने न पाए। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब, लेकिन मैं आपके एहसानों का बदला तो कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई तिवारी, हमने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। अरे तुम जैसे लायक और काबिल ऑफिसर पर जो जुल्म हुआ था, हमने तो उसका इनाम दिलाया। अरे अभी तो बहुत आगे जाना है भाई तिवारी, तुम जितने बड़े ऑफिसर बनोगे उतनी बड़ी खुशी होगी हमें। बस ठाकुर साहब, आपका हाथ हमारे सर पर रहे, फिर देखिए एक एक करके आपके दुश्मनों को इन सलाखों के पीछे ले आऊंगा मैं, यहाँ के बाद फांसी के तख्ते पर। ठाकुर साहब, विकास का अंजाम आप अपनी आंखों से देखेंगे, उसे फांसी से कम सजा नहीं होगी। अरे जितनी बड़ी सजा उतना बड़ा तुम्हें इनाम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, मैं। अगर जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में होती तो फिर भगवान को मानता ही कौन। कहिए वकील साहब, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? क्या जमानत के ऑर्डर लेकर आए हैं? जमानत के ऑर्डर्स तो नहीं, ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि अदालत ही इस बात का फैसला करेगी कि इसे जमानत दी जाए या नहीं। बहरहाल मैं यहां किसी और मकसद से आया हूं। वो क्या मकसद है आपका वकील साहब? मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं, अगर तुमने मेरे क्लाइंट को हाथ भी लगाया तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। वकील साहब, ये अदालत नहीं है, पुलिस स्टेशन है, और मैं इंस्पेक्टर तिवारी इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूं। आपका क्लाइंट कानून का मुजरिम है और मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूं। जिम्मेदार? जी हां, मैंने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से निभाया है, इसीलिए तो मुझे प्रमोशन दिया गया है और मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया गया। अपनी जिम्मेदारी को समझदारी से ही निभाते रहना इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर बनने की खुशी बहुत जल्द तुम्हारा साथ छोड़े। क्या? ये मेरा एक मशवरा है, मेरे मशवरे पर अमल करोगे तो फायदे में रहोगे। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। क्या मैं अपने क्लाइंट विकास से मिल सकता हूं? सॉरी वकील साहब, आप तो जानते हैं कि यह कत्ल का मामला है और इन हालात में बिना कोर्ट की परमिशन के आप नहीं मिल सकते। ठीक है, मैं कोर्ट ऑर्डर्स लेकर ही आऊंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना बता दूं कि अगर मेरे क्लाइंट को किसी किस्म की तकलीफ पहुंची तो। आपके क्लाइंट को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सजा देना मेरा काम नहीं, अदालत का काम है। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। सावधान सावधान सावधान, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर, यू मे प्रोसीड मिस्टर प्रोसिक्यूटर। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर,
ये मुकदमा स्टेट वर्सेस विकास सक्सेना है। योर ऑनर, अदालत के कटहरे में जो शख्स कपड़े से अपना मुंह छुपाए खड़ा है, अगर आप इसकी सूरत देखेंगे तो शायद आपको ये एक नेक और शरीफ इंसान नजर आए, लेकिन योर ऑनर, सीरत से ये एक नेहायत ही खतरनाक इंसान है। अभी कुछ अर्सा पहले शहर में सनसनीखेज वारदात हुई थी, धर्मा नाम के एक आदमी का कत्ल हुआ था और ये खबर शहर के हर अखबार में छपी हुई थी, और तब से पुलिस धर्मा के कातिल की तलाश कर रही थी, और बड़ी जद्दोजहद कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को कामयाबी मिली कातिल को पकड़ने में, और उसने गिरफ्तार किया उस शख्स को जो आपके सामने मुंह छुपाए खड़ा है। योर ऑनर, ये कातिल है, इसका नाम विकास है। योर ऑनर, जय वारदात पर इन्होंने अपनी उंगलियों के निशान छोड़े हैं, और इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी है, फिर भी तहकीकात के कुछ और पहलू है जो अभी बाकी है, यानी कुछ और सबूत, कुछ और गवाह। इसलिए अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूं योर ऑनर कि तहकीकात पूरी होने तक मुलजिम विकास सक्सेना को पुलिस रिमांड में रखने की इजाजत दी जाए। मिस्टर विकास, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? योर ऑनर, मुलजिम को चेहरा छुपाने की हिदायत मैंने ही दी, और इसकी एक खास वजह है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुलजिम को अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर न किया जाए। अदालत आपकी दरख्वास्त कबूल करती है। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर विकास, क्या अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? योर ऑनर, मैंने कोई खून नहीं किया है। योर ऑनर, इससे पहले कि अदालत मुलजिम को पुलिस रिमांड दे दे और ये बेगुनाह इंसान किसी पुलिस ऑफिसर की जाती दुश्मनी का शिकार हो जाए, मैं अदालत से दरखास्त। ये आप क्या कह रहे हैं? भला पुलिस को किसी मुलजिम से जाती दुश्मनी क्या हो सकती है? योर ऑनर, वकील सफाई खाम खाई पुलिस पर इल्जाम लगाकर अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस केस की तहकीकात करना बाकी है, इस पर बहस होना बाकी है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त खाम खाई अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि एक सीधा साधा कत्ल का मुकदमा है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिम विकास को पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म दिया जाए। योर ऑनर, शायद मेरे फाजिल दोस्त इस केस की हकीकत को नहीं जानते, या फिर जानबूझकर इस हकीकत से आंख चुराना चाहते हैं। योर ऑनर, जैसा कि आपने सुना है कि जाए वारदात पर मुलजिम की उंगलियों के निशान आंख पाए गए, और इस कत्ल के केस का एक चश्मदीद गवाह भी है जो एक टैक्सी ड्राइवर है। क्यों वकील साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? जी नहीं, बेशक इस केस का चश्मदीद गवाह है और वो एक टैक्सी ड्राइवर ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो योर ऑनर, जब तक मुलजिम की शिनाख्त परेड नहीं होती, किसी भी चश्मदीद गवाह का अदालत के कमरे में आकर बैठ जाना सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि एक जुर्म है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि इस केस का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है, बल्कि वो चश्मदीद गवाह तैयार किया जा रहा है, इसीलिए उसे अदालत के कमरे में लाकर बिठाया गया है ताकि वो मुलजिम का चेहरा देख सके और शिनाख्त परेड के दौरान उसकी शिनाख्त कर सके। तो क्या वो चश्मदीद गवाह अदालत के कमरे में मौजूद है? जी हां योर ऑनर, वो शख्स, वो फर्जी गवाह यहां अदालत में मौजूद है। आप बजाते खुद उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, यही है वो चश्मदीद गवाह। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, इसका नाम पुलिस फाइल में दर्ज है, इसका नाम है माता प्रसाद तिवारी, जिसे इस मकसद से इस अदालत में लाया गया है ताकि मुलजिम का चेहरा देख सके और शिनाख्त परेड के दौरान इसकी शिनाख्त कर सके। योर ऑनर, यह अदालत की तौहीन है, कानून का मजाक उड़ाना है, और इस हरकत का जिम्मेदार है वो पुलिस ऑफिसर जिसकी तरफ मैंने पहले ही इशारा किया है, और इत्तेफाक से जिसका नाम भी तिवारी ही है। इंस्पेक्टर, क्या यह सच है कि जिस आदमी की तरफ वकील साहब ने इशारा किया है वही इस केस का चश्मदीद गवाह है? जी योर ऑनर, योर ऑनर,
जैसा कि सब लोग जानते हैं कि गवाह को मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम की शिनाख्त करनी पड़ती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। गवाह को सीधे अदालत में लाकर पुलिस ने न सिर्फ अपनी लापरवाही का सबूत दिया है बल्कि एक जुर्म किया है जो माफी के काबिल नहीं है। अदालत हुक्म देती है कि वो चश्मदीद गवाह फौरन अदालत के कमरे से बाहर निकाल दिया जाए। मुझे इस बात की कतई खबर नहीं थी कि चश्मदीद गवाह अदालत में मौजूद है। इस कोताही के लिए मैं अदालत से माफी चाहता हूं। वकील साहब, आपने बड़ी आसानी से अदालत से माफी मांग ली, लेकिन आपकी इस कोताही से एक मासूम नौजवान फांसी के फंदे तक पहुंच सकता था। आपकी यह कोताही एक मासूम की मौत का सबब बन सकती थी। मिस्टर राजेंद्र कुमार, आपके इस इशारे को अदालत ने महसूस करते हुए उस शख्स को अदालत से बाहर निकाल दिया, और यह पॉइंट भी नोट किया कि पुलिस ने इस मामले में जानबदारी बरती है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर विकास, चश्मदीद गवाह अदालत से बाहर जा चुका है, अब आप अपना कपड़ा मुंह से हटा दीजिए। योर ऑनर, अब मैं अपने मकसद की तरफ आता हूं। मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर तिवारी, जिन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिनके लिए मैं अदालत को पहले इशारा कर चुका हूं कि ये मुलजिम के साथ जाती दुश्मनी रखते हैं, तो योर ऑनर, इंस्पेक्टर तिवारी का हाल ही में प्रमोशन हुआ है, इन्हें थाने का इंचार्ज बना दिया गया है, और थाने का इंचार्ज बनते ही इन्होंने धर्मा मर्डर केस की फाइल खोली, जिसकी तफ्तीश किसी और इंस्पेक्टर के जिम्मे रखी गई थी। योर ऑनर, फाइल को पढ़ने के बाद मिस्टर तिवारी को यह पता चला कि जाए वारदात पर किसी शख्स के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस केस में मुलजिम का कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, फिर मिस्टर तिवारी को यह कैसे पता चला कि वो फिंगरप्रिंट्स मेरे ही मुवक्किल यानी विकास के हैं? क्या मिस्टर तिवारी कोई अंतर्यामी है, या लाखों करोड़ों फिंगरप्रिंट्स को यह पहचानते हैं? आखिर ने यह कैसे पता चला कि वो फिंगरप्रिंट्स मेरे ही मुवक्किल के थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने ना आओ देखा ना ताओ एकदम से गिरफ्तार कर लिया मेरे मुवक्किल को। योर ऑनर, दरअसल विकास सक्सेना की गिरफ्तारी एक साजिश का नतीजा है, इंस्पेक्टर तिवारी की साजिश का नतीजा। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे फाजिल दोस्त बार बार इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि इंस्पेक्टर तिवारी ने अपनी जाति दुश्मनी के तहत मुलजिम विकास को गिरफ्तार किया है। यह हकीकत है योर ऑनर, इंस्पेक्टर तिवारी मुलजिम की बहन प्रगति से जाति दुश्मनी रखता है, उसके खिलाफ गलत बयान, गलत इल्जाम और जाति के जुर्म में अदालत ने इसके खिलाफ एक सेंटेंस पास किया था, जिसके तहत 2 साल तक इसका प्रमोशन रुका रहा। और इत्तेफाक की बात यह है योर ऑनर कि उस केस की पैरवी भी मैंने ही की थी। योर ऑनर, अदालत जब चाहे इस बात की तस्दीक कर सकती है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर तिवारी की गलत बयानी और इसकी जातियों की वजह से एक बेगुनाह, एक मासूम लड़की को 1 हफ्ते तक रिमांड होम में रहना पड़ा, उसके साथ जातियां हुई, यह बात अदालत की रजिस्टर में दर्ज है योर ऑनर। यह नामुजबानी बयान नहीं है, यह किसी वकील की दलील या बहस भी नहीं है, यह कागज पर लिखी हुई तहरीर है जिस पर अदालत की मोहर लगी हुई है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर तिवारी की प्रगति केस में जो बेइज्जती हुई, उसी की वजह से इसने मेरे वकील को गिरफ्तार किया। योर ऑनर, सच्चाई जो भी हो, मुझे पिछली बातों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि इनके मुवक्किल मिस्टर विकास सक्सेना, जिन्हें एक बेगुनाह और मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह एक आदि और पेशा और मुजरिम है।
एक ड्रग स्मगलर है और स्मगलिंग के केस में इन्हें सजा भी हुई और ये गिरफ्तार भी हुए थे। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।